Welcome to today's special segment where we delve into a groundbreaking development in the field of education. A school in Thiruvananthapuram, Kerala is making waves with its revolutionary step, the introduction of an AI teacher named Iris. Developed in collaboration with Maker Labs EduTech, Iris is not just any teacher. जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आजकल भारत औद्योगिक क्षेत्र में इतना आगे तक निकल गया है कि इंसानों के बदले अब रोबोट काम कर रहा है। इसने लाल नीली साड़ी पहनी हुई है और इनका नाम आयरिस है। बिल्कुल रियल शिक्षक के तौर पर ये लग रही है, बच्चों से हाथ मिला रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। आयरिस अलग अलग विषयों के जटिल से जटिल प्रश्नों के उत्तर दे सकती है। अब ये कहे कि इंडिया ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर बनाया, वो आप तकरीबन 5 साल बाद मजीद देखेंगे। हाँ। तो वो इससे भी ज्यादा तरक्की कर चुके होंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा शौक हो गई थी और मैं देख के इतना इंस्पायर भी हो रही थी कि इंडिया में आप लगाए 7 रोबो टीचर हैं। सोच सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे लगता था चाइना, जापान और भी कंट्रीज में रोबो टीचर्स होते हैं। जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में कोई डिफरेंस है? आसमान और जमीन का डिफरेंस है यार। उनके आप लोग देखो, सारे जो है ये बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं। इसी तरह फेसबुक वगैरह तक बहुत आगे पहुंच गए ना। वो ये चीजें बना के वो अपने मुल्क को क्या प्रिटेंड कर रहे हैं? वो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो ये तो बेजूल बात है जी। हम खाली ये कह सकते हैं कि हम अपनी नाकामी और अपनी जो है ना उसको छुपाने के लिए उनको ये जी वो जी बड़ी गुर्बत है। गुर्बत तो हर जगह कहाँ नहीं है। पाकिस्तान सीख लो कुछ इंडिया से और यही देख लो। पाकिस्तान ने पीछे चला गया कि नरेंद्र मोदी उस दिन बोल रहा था कि मैं बात भी करता हूँ ना पाकिस्तान के हवाले से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब कि ये इतने पीछे हो गए, बात ही क्या करनी। अगर हम भारत की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आज उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, न सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बल्कि उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में एक नाम? जी हाँ दोस्तों, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में AI जेनरेटेड रोबोटिक टीचर को बनाकर तैयार कर दिया गया है। यह एक फीमेल रोबोटिक टीचर है जो कि लाल और आसमानी साड़ी पहनी हुई है। इसमें 4 पहिए लगे हुए हैं और साथ ही साथ बच्चों से अपना हाथ भी मिलाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपना सर को भी इधर उधर रिमूव कर सकती है और इस AI टीचर का नाम आयरिस है और यह 3 भाषाओं में बात कर सकती है, हिंदी, इंग्लिश और मलयालम। इस AI जेनरेटेड को इस हद तक बनाया गया है कि टेक्स्ट को वॉइस में और वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकती है। साथ ही साथ दोस्तों यह KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती है। दोस्तों आयरिस का नॉलेज प्रोग्रामिंग बेसिस पे आधारित है जिसके वजह से यह कठिन से कठिन सवालों का जवाब भी दे सकती है। इस महिला रोबोट के गले में एक हार भी पहनाया गया है जो कि समय समय पे माइक तथा बोलने का काम भी करती है। इन दिनों हमारे देश भारत में अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजों देख करके पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल बन गया है। वो अब पढ़ा रहे हैं सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह देखते हैं और अब ये टीचर्स के अंदर भी मतलब आ रही है। तो अगर ये कामयाब हो गया आइडिया तो आपको नहीं लगता बहुत से टीचर्स को जो है वो घर भेज दिया जाएगा कि अब रोबोट जो है वही बच्चों को मतलब पढ़ाया करेंगे भारत के अंदर? किस हद तक आप देखते हैं कि ये एक कामयाब मतलब तजर्बा है और इससे कितना चेंज देख रहे हैं आप? देखिए ऑलरेडी बच्चों का काम तो ChatGPT कर रहा है। बच्चे अपना जो वो सब है, क्या नाम है, प्रोजेक्ट वर्क और ये सब तो ChatGPT से लिख के जमा खरीदे हैं ना। और आप कैसे पकड़ोगे? आपके पास प्लेजरिज्म भी नहीं और वो प्लेजरिज्म है भी नहीं कि ये भी डिटरमाइन करना है, बिकॉज बड़ा लीगल क्वेश्चन है। मैंने ChatGPT का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और मैंने कहा ChatGPT से यार एक ऐसे लिख दो कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर, क्रिएशन ऑफ नॉलेज भी कर देगा। और अगर वो क्रिएशन ऑफ नॉलेज कर रहा है और इंसान भी क्रिएशन ऑफ नॉलेज कर रहा है, देखिए ट्रांसफर ऑफ नॉलेज का कोई इशू नहीं है आज के डेट में। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के लिए AI और इसकी जरूरत नहीं है। बच्चे YouTube ही देख लेते हैं। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो ना लेना हो, यूट्यूब से ही बच्चे सीख जा रहे हैं बहुत सी जो स्किल्स है। तो वो तो पहले ही चल रहा है। यूट्यूब में मैं बैठ करके काम कर रहा हूँ, वहां पे है कि वो यूट्यूब की जगह मेरी जगह, मतलब यूट्यूब सिर्फ प्लेटफॉर्म ना हो करके वो क्रिएटर भी हो गया, प्लेटफॉर्म भी हो गया। अब यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म है, क्रिएटर मैं हूँ और ये जो रोबोटिक AI है उसमें क्रिएटर और प्लेटफॉर्म और ट्रांसफरर ऑफ द नॉलेज वो सब वही है, क्योंकि वो एल्गोरिदम के थ्रू मशीन लर्निंग पे वो आ चुके हैं। और अब तो ऐसे कंप्यूटर्स भी हैं जिन्होंने इंसानों को हरा दिया है कंप्यूटर में, चेस में, ऐसे कई चेस गेम्स हैं वेयर द ह्यूमंस हैव बीन डिफीटेड बाय द चेस मेड जो कि वो कंप्यूटर पे खेले जाते हैं। मेरा ये कहना है कि मैं AI को लेकर के बड़ा निगेटिव नहीं हूँ। अगर प्रोफेसर बन रहे हैं AI से तो बने, बच्चे फीस तो देंगे ही ना, वो फीस तो हमको नौकरी मिले। अब अगर यूनिवर्सिटियां पैसे कमा रही हैं और रिक्रूट नहीं कर रही हैं तो फिर ये गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि भाई ऐसा है कि ये जो वेल्थ तो क्रिएट हो रहा है, इस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है।
ये क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन पे जो है बिकॉज वेल्थ विल कीप ऑन क्रिएटिंग विल बी जनरेटेड इट विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द क्रिएशन ऑफ द वेल्थ. क्वेश्चन है कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. तो ठीक है I'm all up for these AIs who are doing these kind of jobs. I'm all up for it. सर R&D को लेकर अगर देखा जाए तो ये किस हद तक, क्योंकि मेड इन इंडिया जो है ये रोबोट बनाया गया है, तो किस हद तक आप इनक्रेडिबल जो है वो इनोवेशन देख रहे हैं भारत की जानिब से, क्या भारत ही में ऐसे रोबोट बनाए जा रहे हैं जो के मतलब तालिब इल्मों को उसके अंदर भी मतलब जो उनको इन बेस जो नॉलेज उनके अंदर ऐड किया जाएगा वो भी डिपेंड करता है कि वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं बड़ों को पढ़ा रहे हैं किस कैटेगरी के मतलब जो है वो स्टूडेंट्स को वो मतलब टीच करेंगे. तो सब्जेक्ट तो होगा ना, तो सब्जेक्ट तो कोई भी हो वो AI वाला सब्जेक्ट, जैसे किसी बच्चे को आप रोबोट इंजीनियरिंग या रोबोटिक इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ाएंगे ना. रोबोटिक इंजीनियरिंग तो उसी बच्चे को पढ़ाएंगे जो उतना नॉलेज को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसके लिए उसी हिसाब से टीचर होंगे. अब क्वेश्चन है कि इस तरह के रोबोट्स के अंदर इमोशंस भी होंगे, मतलब जिस तरीके से ह्यूमन पढ़ाते हुए मतलब इमोशंस होते हैं, क्या उस रोबोट के अंदर वो चीजें